तो साथियों अभी हम सब देखिए माँ मनसा देवी की चोटी पे जा रहा हूँ और जो है अभी रास्ते में देखिए भगवान किस तरह से जो है अपने बच्चे को गोदी में लेके जो है आइसक्रीम खा रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, बहुत ही अमेजिंग दृश्य है और अभी हम सब आगे चोटी पे आ रहे हैं और अभी बहुत ही दूर बाकी है तो हम सब इस तरह से साथियों जा रहे हैं। आप सब देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत लोकेशन। पैसे भी मेरे को आके लौट के देना भैया, विश्वास है तो ले जाओ। ये ऊपर की चोटी पे जा रहे हैं जो कि माउंट यानी कि पहाड़ पे भी जो है सीढ़ी बनाए गए हैं। हर एक श्रद्धालु व्यक्ति वहाँ पे जाके जो है माँ के दर्शन करते हैं और माँ से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। बहुत ही भव्य माँ मनसा देवी का प्रचलित जो है ऐतिहासिक मंदिर है जो कि वहाँ प्रत्येक रोज हजारों यात्री भक्ति भाव करने वाले व्यक्ति वहाँ पे पहुँचते हैं। तो आप सब बने रहे। तो साथियों अमेजिंग लोकेशन है और जो है माँ मनसा देवी मंदिर के पास हम सब जा रहे हैं। रास्ते में सीढ़ी की चढ़ाई देख रहे हैं कितने भक्त सब कर रहे हैं और अभी जो है हम सब आधा नहीं पहुंचे हैं, परेशान हो चुके हैं बहुत ही। कैसा लग रहा है? बड़ा मस्त लग रहा है। परेशान नहीं हुए? नहीं हुए ना। चलिए ठंडा पानी की बोतल। मंदिर देखिए चंडी देवी का मंदिर, दूरबीन से देखिए चंडी देवी का मंदिर देखिए। आइए दूरबीन से देखिए चंडी देवी का मंदिर। ठंडा पानी की बोतल, ठंडा पानी की बोतल, नदी ही नदी है ये। नदी उधर बहती है उधर मिल गई। देखिए चोटी से घिरा हुआ। बताइए यहाँ नहीं आए इसलिए नहीं आते थे क्या? बेकार था ना। उधर से देखिए अभी चल रही है लाइन के द्वारा उस पे। तो साथियों रास्ता काफी जो है संकीर्ण है, कठिन है, सीढ़ी की चढ़ाई चढ़ना बहुत ही मुश्किल होते हैं। देखिए कितने हजारों की संख्या में जो है सीढ़ी है जो कि सीढ़ी के माध्यम से माँ मनसा देवी सब जाते हैं। सभी यात्री खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाते हैं अच्छे अच्छों का। इस प्रकार से देखिए बहुत सारे दूर दूर से भारत के हरेक कोने से व्यक्ति लोग प्रत्येक रोज हजारों की संख्या में आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। तो आप सब घर बैठे माँ के दर्शन करें, देखें कैसे जब पहाड़ की चढ़ाई की जाती है। और इस प्रकार से अब तो आसान हो चुका है जो सीढ़ी के माध्यम से, और उधर जो है साइड में जो है कि रास्ता भी बनाए गए हैं जो बाइक से भी जाते हैं और उड़न खटोला से भी जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा जो है तार के माध्यम से उसमें उड़न खटोला होता है उसके माध्यम से जाते हैं। अब हम सब बहुत ही निकट आ चुके हैं, लगभग अभी जो है और 500 सीढ़ी की चढ़ाई है। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, दृश्य है, आनंदित दृश्य है। ऐसा दृश्य जो है जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। तो बहुत ही आनंदमयी दृश्य यह पहाड़ की चोटी है। पहाड़ पर देखिए हजारों की संख्या में पेड़ पौधे वृक्ष हैं लगे हुए हैं जो कि बहुत ही शानदार है। काफ़ी हम सब तीव्र गति में जो है
यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, पहाड़ की चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे जो है श्रद्धालु व्यक्ति सब जो है पूजा कर करके उधर से लौट रहे हैं और हम भी जो है तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं साथियों। तो आप सब बने रहे, देखिए सीढ़ी जो है फट फट गई है, बराबर रिपेयरिंग होते रहते हैं। हजारों की संख्या में यात्री लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो इनकी मरम्मत बराबर होती रहती है। ईटा से जो है सीढ़ी बनाए गए हैं पहाड़ को स्लोपिंग करके। जय माता दी। तो साथी हम सब आ चुके हैं, देख चुके हैं अब माँ के दरबार में जो है हम सब उपस्थित हो चुके हैं। तो हम सब माँ के द्वार में आ चुके हैं और कुछ चढ़ाई रह गई है, अब हम पहुँचने ही वाले हैं साथियों। तो हम सब देखते हैं आगे का दृश्य जो है, देखिए कितनी चुंदरी से सुसज्जित दुकानें हैं और प्रसाद, नारियल, चूड़ी, लहठी, बिंदी से सुसज्जित दुकानें हैं। पहाड़ पे देखिए कितना सुंदर सुंदर दुकानें हैं, लगभग 1100 मीटर 1200 मीटर के ऊपर पहाड़ी पे इतनी शानदार दुकान है। और यह पहाड़ की दृश्य है देखिए, जो कि काफ़ी बड़ी है, पथरीली है, उस पर हजारों पेड़ पौधे हैं और उस पहाड़ पे बड़ा सा मेला लगा हुआ है, सुंदर सुंदर दुकानें हैं पहाड़ के ऊपर। देखिए लगते हैं कि यह धरती पे है लेकिन नहीं, यह 1.5 किलोमीटर ऊपर का यह पहाड़ का दृश्य है और ऊपर दुकान से सुसज्जित दुकानें हैं। और वो हम अब जो है मानसा देवी मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ देखिए जो कि चप्पल जूते यार रखे जाते हैं, आगे टेंट लगे हुए हैं, दुकान हजारों की संख्या में पहाड़ के ऊपर दुकानें हैं और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं। अब हम सब माँ के दरबार में जा रहे हैं। देखिए ये जो है उरन खटोला की तरफ जाने वाला दृश्य रास्ता है, जो कि टिकट लेके उरन खटोला के माध्यम से उतरते हैं और कितना चढ़ते हैं। यहाँ पे जो लगे हुए हैं गार्ड लोग। और यह देखिए माँ के कितने जो हैं, यह चुंदरी लहर सब वगैरह सब वहाँ पे लगे हुए हैं। यह मुख्य द्वार है मंदिर में प्रवेश करने का। यहाँ पे एक माँ वैष्णो देवी की जो है प्रतिमा है। इस तरह से साथी आप सब बने रहें और जो है माँ मानसा देवी मंदिर का आनंद लें, दर्शन करें। साथियों इधर जो है मोबाइल की कैमरा को अलाउ नहीं करते हैं, वीडियो वगैरह नहीं देते हैं बनाने के लिए, तो मैंने अपने पॉकेट में मोबाइल को रख करके जो है अंदर जा रहा हूँ और इस तरह से जो है वीडियो कैमरा को ऑन कर दिया हूँ। तो देखिए कैसे कैसे जो है वहाँ पे पूजा कराए जाते हैं, जितने भी प्रसाद नारियल वगैरह सब होते हैं इस हवन कुंड में डालते हैं, सुहा करते हैं, पुनः आगे की ओर जो यात्री को भेजते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप सब बने रहे देखें। चक्कर मामा स
देखिए वृक्ष में वट वृक्ष में कैसे जो है यह कच्चे धागे से लपेटे हुए हैं, घिरे हुए हैं सभी जो इसमें दर्द दे के और धागे को खींचते हैं, लेके जाते हैं अपने कलाई पे बांधने के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, यहाँ का दृश्य है, भव्य दृश्य देखने लायक है, बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे आके। साथियों तो आप सब आनंद लें, दर्शन करें। मानसा देवी माता की चोटी पे हैं और जो यहाँ पे जो है बहुत बड़ा जो यहाँ पे जो है यहाँ दुकान लगा हुआ रहता है, जो प्राइवेट प्रत्येक रोज यह दुकान खुलती है और जो हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ लगती है। तो इस तरह से देख सकते हैं मानसा देवी माता की जो है अद्भुत लोकेशन, जो कि पूरा मार्केट से कम नहीं है। होटल है, सब रेस्टोरेंट है और जो है खाने पीने के जो है सही सामग्री है, वहाँ प्लेट है। तो इस तरह से देख सकते हैं माता का जो अद्भुत लोकेशन नज़ारा, सुंदर सा दृश्य है। देखिए दूर दूर से भक्त सब आए हैं और यहाँ जो है बहुत ही अमेजिंग दृश्य है। साथियों यह 1 किलोमीटर लगभग ऊँचा पहाड़ के ऊपर जो है उसके ऊपर का दृश्य है, बहुत ही शानदार जानदार है। और जो यहाँ पे देख सकते हैं निःशुल्क जूता स्टोर, जो जूता भी लेके आए हैं यहाँ पे रख सकते हैं। तो अमेजिंग वीडियो है, सुंदर अद्भुत दृश्य है, लोकेशन है। तो आप सब देखें और बने रहें। जय मानसा देवी माता की। तो साथियों ये पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर 1100 मीटर की ऊंचाई पे हम चढ़ चुके हैं, मानसा देवी मंदिर। देखिए जो है यहाँ पे है, इधर की लोकेशन की तरफ देखिए, यहाँ पे लड़का लोग सब आके जो है माउंट से वहाँ से अपना अपना फोटो सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग दृश्य है, ये निचले हिस्से का दृश्य है, ये गंगा नदी देखिए, जैसे कि ऊपर से नीला जो है गंगा नदी का कलर नीला होता है, जल का कलर नीला होता है। यहाँ भी देखिए पूजा पाठ होते हैं, बहुत सारे चुंदरी जो है यहाँ पे टांगे हुए हैं, मानसा देवी के पिंड के रूप में प्रतिमा है। और ये जो है हरिद्वार के निचले दृश्य है, गंगा नदी का दृश्य है,
जो कि बिल्कुल ही नीला कलर का दिखाई पड़ता है। तो जो है यह पहाड़ की चोटी और सब श्रृंगे हैं, बहुत सारे चोटी है जो कि बहुत ही दूर है। और ये देखिए नीचे का लोकेशन, एक 1100 मीटर के नीचे दूरी है। तो साथियों हम सब विजिट कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं और जो अब नीचे जा रहे हैं। यह देखिए निचला हिस्सा है गांव का, शहर का, हरिद्वार शहर का देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही ढलांग है, चढ़ाई कठिन है। अब हम सब नीचे की ओर उतर रहे हैं, तो आप सब देखिए आनंद लीजिए। और हम लोग जो है पूजा कर चुके हैं, अब नीचे आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा दृश्य है, अनोखा दृश्य है, नज़ारा है। काफ़ी रास्ता कठिन है, आप सब बने रहें, देखते रहें और आनंद लें।